हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का टाइटल है बूढ़े की चालाकी। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत पहले एक गांव में बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। बूढ़ा बहुत मेहनती था। वह अपने खेत में पहुँच वहाँ बहुत मेहनत करता, मगर खाने पीने के मामले में बहुत चटोरा था। वह बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता था। बुढ़िया बहुत कंजूस थी। उसकी कंजूसी के कारण बूढ़े को कभी अच्छा भोजन नहीं मिल पाता। बूढ़े ने एक दिन बुढ़िया से कहा, क्यों न हम लोग एक तोता पाल लें, इससे हमारा समय अच्छी तरह से कट जाएगा। बुढ़िया ने अपनी स्वीकृति दे दी। बुढ़िया के राजी होते ही बूढ़े ने खुश होकर कहा, उस तोते को हम अपने खेत के पास वाले आम के कोटर में रखेंगे। तुम जब मेरा खाना लेकर आया करो तो उसके लिए भी बढ़िया बढ़िया भोजन और मलाई लाया करना, इससे तोता जल्दी बड़ा हो जाएगा। इस बात पर बुढ़िया राजी हो गई। प्रतिदिन वह बढ़िया बढ़िया भोजन तथा दूध और मलाई लाने लगी और बूढ़ा पेड़ के क्वार्टर में जाकर बड़े मज़े से सारे का सारा भोजन हजम कर जाया करता। एक दिन बुढ़िया जब स्वादिष्ट भोजन लेकर पहुंची तो बूढ़ा उस क्वार्टर में जाकर खाने लगा। इतने में बुढ़िया के मन में विचार आया कि जरा जाकर देखूं कि तोता कितना बड़ा हो गया है। बुढ़िया ने जब पेड़ के क्वार्टर में झांक कर देखा तो वहाँ बूढ़ा बैठा मज़े से सारा भोजन खा रहा था। वहाँ पर कोई तोता नहीं था। बूढ़े की चालाकी पर बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और मायके जाने की तैयारी में जुट गई। उसने बूढ़े का साथ छोड़ने की तैयारी कर ली। बुढ़िया अपना सारा सामान एक बक्से में रखकर रास्ते में खाने के लिए रोटियाँ पकाने के लिए चली गई। बूढ़े ने बुढ़िया को मनाना चाहा, मगर वह नहीं मानी। तब वह बहुत चिंतित हुआ। वह बुढ़िया को मनाने का उपाय सोचने लगा। मौका पाकर वह बुढ़िया के बड़े से बक्से में कपड़ों के नीचे दुबक कर बैठ गया। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी रोटियां सेकी और बक्से में ऊपर ही रख कर बक्से को बंद कर दिया। इसके बाद अपने सिर पर उस बक्से को उठाकर वह चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर बुढ़िया को भूख लगी। वह थक गई, इसलिए वह एक स्थान पर बक्से को रख कर खोलने लगी। बक्सा खोलकर उसने देखा तो पाया कि सारी रोटियां गायब हैं और वह बूढ़ा उस बक्से में दुबक कर बैठा बड़ी करुण दृष्टि से टुकर टुकर बुढ़िया को ताक रहा था। थकी हुई भूख से व्याकुल बुढ़िया ने जब बूढ़े को इस प्रकार बक्से में देखा तो वह एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी और उस बूढ़े पर बुढ़िया को दे आ गई और मायके न जाकर वह बूढ़े के साथ अपने घर वापस लौट आई। इसके बाद बुढ़िया ने कंजूसी छोड़ दी और अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाकर बूढ़े को खिलाने लगी। तो आपको बूढ़े और बुढ़िया की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।